अगर मैं इस वार्डन को यहाँ से धक्का दे के नीचे गिरा तो? तो गाइस आज की इस बड़ी वीडियो में हम ट्राई करने वाले मिथ्स जो आप लोगों ने मुझे पिछले वीडियो में सजेस्ट किए थे, तो आप वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एक मिनट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं देना चाहता हूँ इन सारे बंदों को शाउट आउट। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में एक शाउट आउट मिल सके। तो आप यार वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके तो गाइस हमारा पहला कमेंट ये है कि हे ब्रो आई एम योर बिग फैन एंड माय मीट इज वार्डन डजंट टेक फॉल डैमेज। ओके तो भाई सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने कमेंट किया और अभी इनकी मिथ को भी एक बार ट्राई करते हैं। पहले मैं यहाँ से कुछ ब्लॉक ऊपर जाऊँगा, थोड़े और ब्लॉक चले जाता हूँ। ओके इतने बहुत है, चलो यहाँ पर मैं वार्डन रखता हूँ और अभी मैं इसको नीचे गिराने की कोशिश करता हूँ। और अगर इसने फॉल डैमेज लिया, एक मिनट यार, अबे नीचे गिर रहे, अबे क्या ड्रामे कर रहा है ये, गिर जा। और ओके तो इसने वॉल डैमेज ले लिया तो ये मिथ हो जाता है इसी तरीके से, बस डेड। ओके तो गाइस हमारा अगला मिथ ये कि हम वाटर एमएलजी नहीं कर सकते ऑन लीव्स। ओके ट्राई करते इसको। तो ये रहा नीचे पेड़ और पहले मैं अपना गेम अपलोड कर देता हूँ सर्वाइवल। ओके ओ मैं मर गया, एक मिनट देखना पड़ेगा। अच्छा तो मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि देखो वी ये जो अपना लीफ है उसके अंदर भाई वाटर पूरा लॉक हो चुका है, तो हम फॉल डैमेज की वजह से मर गए। तो ये मिथ हो जाता है पूरी तरीके से कन्फर्म और काफ़ी ओपी मिथ था। ओके तो हमारा अगला मिथ ये कि अगर हम लोग डॉल्फिन को कोई भी स्टफ देते तो उसके साथ वो खेलती है। नाइस इंटरेस्टिंग मिथ है काफ़ी। ओके तो मैं इसको डायमंड देता हूँ, देखते कि खेलती कि नहीं खेलती। ओके ओ इसने डायमंड ले लिया, ओ ये डायमंड फेंक रही है, वो देखो, ओ भाई कितना सही मिथ यार, नाइस एकदम प्यारा मिथ एकदम। ओके तो इसी तरीके से ये भी मिथ हो जाता है कन्फर्म। ओके तो गाइस हमारा अगला मिथ ये कि बेबी विलेजर वीच से डरता नहीं है। ओके तो एक बार ट्राई करते, और लिटरली 5 मिनट बाद मैं देख रहा हूँ इसको, इस बंदे की भाई इतनी बेकार फट चुकी है ना वीच को देख के, बंदा इधर से उधर भागे जा रहा है भाई, इसकी बहुत बेकार फटी हुई है। तो ये मिथ हो जाता है बस्टेड। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तो गाइस हमारा अगला मिथ ये कि हम पानी के अंदर कौन सा भी फूड आइटम नहीं खा सकते, तो एक बार ये भी ट्राई करके देख लेते। अभी मेरी हंगर बार फिलहाल थोड़ी बहुत कम हो गई है तो अभी मैं इसको ट्राई करता हूँ। ये मेरे को सामने छोटा सा पॉन्ड दिख रहा है, इसके अंदर चलते और अभी एक बार ट्राई करके देखता हूँ। ओ मैं तो खा सक रहा हूँ। ओके मेरी हंगर बार भी फुल हो गई, तो ये मिथ हो जाता है बस्टेड इसी तरीके से। ओके तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी इस मंथ के एंड तक 2022 तक के एंड के पहले हमको 3000 सब्सक्राइबर हिट करने, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आप सभी से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।